Hey everyone, welcome back to my channel, The Explorers. So, कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, विच इज मेमोरी. ये जो चैप्टर है या फिर ये जो टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में. चाहे आप 11th क्लास में साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ाया जाएगा. तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे और आने वाली जो मेरी फर्दर वीडियोज होंगी उसमें मैं ये पूरा चैप्टर कवर करूंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस. ओके, तो मेमोरी को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले ना, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ और उसका जवाब आपको अपने आप को देना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है दैट हैव यू एवर फेल्ट एंग्शियस बिकॉज एवरीथिंग यू मेमोराइज्ड वेरी वेल द प्रीवियस डे बिफोर योर एग्जाम हैज सडनली बिकम अनअवेलेबल ड्यूरिंग योर एग्जाम. कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम से पहले जो चीज़ आपको अच्छे से याद थी वो एग्जाम टाइम पे आप भूल गए और आप नहीं लिख पाए? तो हाँ, ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले जो चीज़ हमें याद होती है वो हम एग्जाम टाइम पे कभी कभी भूल जाते हैं और हमें नहीं याद आती. दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है दैट हैव यू एवर फेल्ट प्राउड बिकॉज यू कैन इजिली रिकॉल द लाइन्स ऑफ अ फेमस पोएम यू हैड लर्न्ड एज अ चाइल्ड. कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में जो चीज़ आपने सीखी थी या याद की थी वो आपको बड़े होने तक अच्छे से याद है? तो हाँ, ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें हमें अच्छे से याद रह जाती है चाहे हमने वो कितनी पहले सीखी हो या करी हो या फिर याद की हो. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं. तो ये सब हमारे साथ क्यों होता है? हमारी मेमोरी की वजह से. अगर हम एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें, एक लेमैन की भाषा में देखें, तो मेमोरी का क्या मतलब है? मेमोरी का मतलब है हमारी याददाश्त. ठीक है, तो इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में हमें साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या फिर साइकोलॉजी के व्यू से हमें अपनी याददाश्त के बारे में पढ़ना है, अपनी मेमोरी के बारे में पढ़ना है कि हमारी मेमोरी क्या होती है, कितने तरह की होती है, कैसे मेमोरी को फॉर्म करते हैं, कैसे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा. Now let us understand what is the meaning of memory. So in simple terms, memory refers to acquiring, retaining and recalling of information over a period of time. तो memory का क्या मतलब है? Memory का मतलब है सबसे पहले information को receive करना या फिर acquire करना, फिर उसके बाद information को याद करना और अपने दिमाग में store करना या फिर retain करना. और ज़रूरत पड़ने पर जब आप उस information को याद करते हो वापस से या फिर recall करते हो तो इसको बोला जाता है हमारा memory. तो मेमोरी एक पूरा प्रोसेस है जो इन तीनों स्टेजेस को मिला के बना है, जिसको हम एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल भी कहते हैं. ठीक है, जो हमने पढ़ा ना एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग, तो इसको एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल भी कहते हैं. तो ये तीनों स्टेजेस को मिला के हमारी मेमोरी बनती है. अब समझते हैं बच्चे कि होता क्या है, इनकोडिंग क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है, रिट्रीवल क्या होता है. तो सबसे पहले इनकोडिंग के बारे में पढ़ते हैं. तो सिंपल सा इनकोडिंग का मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, बस दैट्स इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो, वो चीज़ आपके दिमाग में एंटर कर रही है. दैट मीन्स कि अभी आप इनकोडिंग कर रहे हो. सो इनकोडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड, एक्वायर्ड एंड रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द एनवायरमेंट. इन एनकोडिंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड सम मीनिंग इज डिराइव्ड. तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जब एनवायरमेंट से आ रही है और आपके दिमाग में जा रही है और आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो और वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में एंटर कर रही है, सो दैट इज नोन एज एनकोडिंग. फिर जो हमारी सेकंड स्टेज आती है दैट इज नोन एज स्टोरेज. स्टोरेज का क्या मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने एनकोड करी या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव करी, जब हम उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं फॉर द फर्दर यूज, दैट इज नोन एज स्टोरेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी ये वीडियो चल रही है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको रिसीव कर रहे हो और एनकोड कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उसको याद भी करते हो और अपने दिमाग में स्टोर करते हो, दैट इज नोन एज स्टोरेज, जिससे कि आप एग्जाम में उसको लिख सको. तो इन दिस स्टेज द इन्फॉर्मेशन एनकोडेड इज स्टोर्ड एंड रिटेन्ड सो दैट इट कैन बी रिकॉल्ड लेटर. तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव किया है उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हैं या फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, जिससे कि हम उसे आगे यूज कर सकें या फिर आगे हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकें जरूरत पड़ने पर. फिर जो हमारी लास्ट स्टेज आती है मेमोरी सिस्टम की, दैट इज नोन एज रिट्रीवल. रिट्रीवल का सिंपल सा मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना. जैसे हम उसी एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इन्फॉर्मेशन आप तक जा रही है, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो. फिर जो भी मैंने अगर आपको पढ़ाया आपने वो याद भी किया, सो दैट मीन्स आपने अब उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, आपने स्टोरेज किया है.
फिर एग्जाम टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया, आप जब इसका आंसर लिख रहे हो तो आप रिकॉल कर रहे हो कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, हमने ये याद किया था. तो रिट्रीवल मीन्स कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर है, जब आप उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हो यूज करने के लिए, दैट इज नोन एज रिट्रीवल. सो इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन टू कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो किसी भी पर्पस के लिए जब हम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं या वापस से याद करते हैं तो उसको रिट्रीवल कहा जाता है. तो हमारी जो मेमोरी है वो इन तीनों स्टेजेस और प्रोसेसेस को मिला के बनती है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसको रिसीव करते हैं जिसको एनकोडिंग कहा जाता है. फिर उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं जिसको स्टोरेज कहा जाता है. और फिर ज़रूरत पड़ने पर जब इन्फॉर्मेशन को हम वापस से रिकॉल करते हैं जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में स्टोर्ड है तो उसको रिट्रीवल कहा जाता है. और जो मेमोरी है वो इन तीनों स्टेजेस और इन तीनों प्रोसेसेस को मिला के ही बनती है. सो मेमोरी इज डिफाइंड एज द फैकल्टी ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द इन्फॉर्मेशन. तो बच्चे हमने ये तो पढ़ लिया कि मेमोरी क्या है और मेमोरी के तीन प्रोसेसेस कौन से हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्टेज और मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी. यानी कि अब हम मेमोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेज और मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी. ये जो मॉडल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मॉडल दिया किसने और ये मॉडल क्या है. सो द स्टेज मॉडल और मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी वॉज प्रपोज्ड बाई एटकिंसन एंड शिफ्रिन इन 1968. तो बच्चे इस मॉडल का नाम स्टेज मॉडल भी है और मल्टी स्टोर मॉडल भी है. ठीक है, इसको किसने प्रपोज किया या फिर इस मॉडल को किसने दिया, किसने फॉर्मुलेट किया? एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने. और कब किया? 1968 में. ये जो नाम है एटकिंसन एंड शिफ्रिन, ये भी बहुत अच्छे से आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. क्योंकि आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वो मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करो जो एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया है, तो आपको ये मॉडल एक्सप्लेन करना है. तो स्टेज और मल्टी स्टोर मॉडल को किसने दिया है? एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया है और 1968 में दिया है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देर आर थ्री मेमोरी सिस्टम्स, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो बच्चे इस मॉडल में हम तीन तरह की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी सेंसरी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है. और हम साथ में ये पढ़ेंगे कि कैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी से लेके हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाती है. ठीक है, तो इस मॉडल में हमें इन तीन तरह की मेमोरी के बारे में पढ़ना है अच्छे से, और हमें यह पढ़ना है कि कैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी से लेके हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जा रही है या फिर ट्रैवल कर रही है. बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ईजी होगा, तो चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं. तो बच्चे सबसे पहले हमारी आती है सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी का सिंपल सा बस ये मतलब है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम रिसीव करते हैं वो सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है. हमने अभी पढ़ा था कि इस मॉडल में हम तीन तरह की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि एक होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको मैं यहाँ पे STM लिख रही हूँ, और एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको मैं यहाँ पे LTM लिख रही हूँ. तो अभी हम सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी बात करेंगे, और फिर हम आगे STM और LTM की भी बात करेंगे. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम एनवायरमेंट से रिसीव करते हैं वो सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है, उसके बाद वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जाएगी, लेकिन सबसे पहले वो हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है इन्फॉर्मेशन. सो द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंटर्स द सेंसरी मेमोरी. इतना समझ आया? इट इज ऑल्सो नोन एज सेंसरी रजिस्टर बिकॉज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज रजिस्टर्ड हियर थ्रू सेंसेस. अब बच्चे हमारी सेंसरी मेमोरी को सेंसरी रजिस्टर भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम एनवायरमेंट से रिसीव करते हैं वो सबसे पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में जाके रजिस्टर हो जाती है. इसीलिए सेंसरी मेमोरी को सेंसरी रजिस्टर भी बोला जाता है. अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने सेंसेस के थ्रू मतलब मुझे सुन रहे हो या फिर मेरी वीडियो देख रहे हो. ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, तो सबसे पहले जो वो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो आपके सेंसरी मेमोरी में जा रही है और वहाँ पे रजिस्टर हो रही है. ठीक है, इतनी बात है हमने जो अभी तक पढ़ी. फिर आगे क्या लिखा है? सेंसरी मेमोरी हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी बट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज लेस देन अ सेकेंड. कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है ना, उसकी कैपेसिटी तो बहुत लार्ज होती है, लेकिन जो उसकी ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है, दैट इज लेस देन अ सेकेंड. लार्ज कैपेसिटी से क्या मतलब है? लार्ज कैपेसिटी से मतलब है कि कितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी में जा सकती है, मतलब कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जा सकती है. तो सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, दैट इज़ इट इज़ लेस देन अ सेकेंड. यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है वो एक सेकेंड के बाद हम भूल जाते हैं. सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है जिसको हम याद रख पाते हैं और वो आगे हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है. जैसे वही एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब कुछ आपके सेंसरी मेमोरी में जा रहा है, सब कुछ जा रहा है,
लेकिन कुछ ही चीज ऐसी होंगी जो आपको याद रह जाएंगी और वो आके आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी, बाकी चीजें आपको नहीं याद रहेंगी और आप भूल जाओगे, क्योंकि सेंसरी मेमोरी में जाता सब है क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन याद सिर्फ हमें कुछ ही रह पाता है और बाकी चीजें हम भूल जाते हैं क्योंकि सेंसरी मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इट इज लेस देन 1 सेकेंड। अब जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है ना, उसके भी दो टाइप्स होते हैं, दो तरह की सेंसरी मेमोरी होती है, एक होती है आइकॉनिक मेमोरी और एक होती है एकोइक मेमोरी। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है कि आइकॉनिक मेमोरी का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम देख के रिसीव करते हैं या देख के एक्वायर करते हैं वो हमारी आइकॉनिक मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन हम सुन के एक्वायर करते हैं या फिर सुन के रिसीव करते हैं वो हमारी एकोइक मेमोरी में स्टोर होती है। सो आइकॉनिक मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल सेंसरी मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी को विजुअल सेंसरी मेमोरी भी बोला जाता है। इट रिटेन्स एंड स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू साइट, यानी कि देख के जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव की वो हमारी आइकॉनिक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। एंड एक्वाइक मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी, विच रिटेन्स एंड स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू ऑडिटरी स्टिमुलस, यानी कि सुन के हमने जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करी अपने कानों से वो हमारी एक्वाइक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है, और एक्वाइक मेमोरी को ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब जैसे ये वीडियो चल रही है तो यहाँ पे आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल रही है वो आपकी आइकॉनिक और एक्वाइक दोनों मेमोरी में जाके स्टोर हो रही है। तो ये हमारी पूरी सेंसरी मेमोरी के बारे में था। आगे हम इसको पूरा डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी पढ़ लेंगे। फिर सेंसरी मेमोरी के बाद हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, जिसको हम STM भी बोलते हैं। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? तो हमने पढ़ा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो सबसे पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, वो सबसे पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में ही जाती है। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि सेंसरी मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकेंड से भी कम है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है उसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हम 1 सेकेंड से भी कम में भूल जाते हैं, और सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें याद रह जाती है, और वो हमें इसलिए याद रहती है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई होती है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन हमें याद रह जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका हिस्ट्री का लेक्चर है, तो टीचर आया क्लास में, उसने उस दिन हिस्ट्री का पूरा चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया, तो जो भी उसने उस चैप्टर में पढ़ाया है वो एक एक चीज आपके सेंसरी मेमोरी में गई होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो सेंसरी मेमोरी में तो जरूर ही जाती है, तो जो भी चैप्टर में उन्होंने पढ़ाया होगा वो एक एक चीज आपके सेंसरी मेमोरी में जरूर गई होंगी। लेकिन क्लास के बाद ऑब्वियसली आपको पूरा चैप्टर तो याद नहीं रहेगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो चीजें आपको अच्छे से याद रही होंगी कि हाँ हमने आज हिस्ट्री की क्लास में ये पढ़ा था, और वो चीज़ें आपको इसलिए याद रही थी क्योंकि वो चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई हैं, और बाकी चीज़ें आपको याद इसलिए नहीं रही क्योंकि बाकी चीज़ें आपके सेंसरी मेमोरी में तो आई लेकिन वो आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं गई, वो सेंसरी मेमोरी से ही बाहर निकल गई। ठीक है, मतलब वो सेंसरी मेमोरी से टकरा के आप भूल गए लेकिन वो आगे आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं गई। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में तो जाती है, लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, या जो चीज़ें हमें अच्छे से समझ आती हैं, सिर्फ वही चीज़ें या वही इन्फॉर्मेशन हमारी आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, बाकी इन्फॉर्मेशन या बाकी चीज़ें हमारे सेंसरी मेमोरी को टकरा के वहीं से निकल जाती है या हम वहीं से उन्हें भूल जाते हैं। तो ये लॉजिक है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। वी रिसीव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अवर सेंसरी मेमोरी थ्रू आवर सेंसेस, बट द इन्फॉर्मेशन विच इज अटेंडेड टू ओनली एंटर्स टू द सेकेंड मेमोरी सिस्टम नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी और STM। तो वही बात लिखी है जो हमने पढ़ी है कि हमारे सेंसरी मेमोरी में सारी इन्फॉर्मेशन जाती है लेकिन सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी तक जाती है, जिसपे हम एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं, या फिर जो चीज़ें हमें अच्छे से समझ आती है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, बाकी इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से टकरा के ही हमारे बाहर निकल जाती है या फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो वही चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी थी। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स द इन्फॉर्मेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फॉर 30 सेकेंड्स और लेस। तो अभी हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन बता रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी 30 सेकेंड्स या 30 सेकेंड से कम तक रह सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन क्या होती है, 1 सेकेंड और लेस देन 1 सेकेंड, कि हम 1 सेकेंड से भी कम में इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं जो हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है। उसी तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसे हम 30 सेकेंड या 30 सेकेंड से कम में
भूल जाते हैं। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं कि आपका हिस्ट्री का लेक्चर था, फिर क्लास में जो आपको चैप्टर पढ़ाया, तो क्लास के बाहर जब आप निकले तो आपको कुछ चीज़ें याद थी क्योंकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई थी, लेकिन जो चीज़ आपको याद है वो सिर्फ आपके 30 सेकेंड्स तक आपको याद रहेंगी, उसके बाद आप वो चीज़ें भी भूल जाओगे जो चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई थी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 30 सेकेंड्स और लेस। तो ये तो हमने बात करी शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन की, कि कितने टाइम तक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकती है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी की, कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सकती है। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर, पीपल कैन स्टोर 7 ± 2 आइटम्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड ही कॉल्ड इट मैजिक नंबर 7। दस द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज बिटवीन 5 to 9 आइटम्स। तो क्या कह रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर है वो ये बताते हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है इट इज़ बिटवीन 5 to 9 आइटम्स, कि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक बारी में 5 से 9 चीज़ें जा सकती हैं, या फिर एक बारी में 5 से 9 चीज़ें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में अपने याद रख सकते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जा सकती है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में ही जाती है। लेकिन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जाती है, यानी कि सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन जाती है, जिस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, या जो चीज़ हमें अच्छे से समझ आती है, सिर्फ वही आगे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। तो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की बच्चे कितनी कैपेसिटी है, 5 to 9 आइटम्स, यानी कि एक बारी में सिर्फ 5 से 9 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे हमारे सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं, या फिर जो आगे हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते हैं। जैसे अगर मैं वही एग्जांपल लूँ कि अगर आपका हिस्ट्री का लेक्चर है, आप क्लास में बैठे हो, तो जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया उस चैप्टर में एक हिस्ट्री के, वो आपको सब कुछ आपके सेंसरी मेमोरी में गया, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें उस चैप्टर में याद थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉर्ज मिलर है वो यही बता रहे हैं कि 5 से 9 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको उस चैप्टर में याद होगी, क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, 5 to 9 आइटम्स, यानी कि एक बारी में 5 से 9 चीज़ें आप अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके जा सकती हैं, या फिर 5 से 9 चीज़ें आपको याद रह सकती हैं इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब बच्चे, जॉर्ज मिलर ने ना ये 5 to 9 आइटम्स को कैसे डिस्क्राइब किया। जॉर्ज मिलर ने बताया कि एक 7 नंबर है, अगर हम 7 में -2 करते हैं तो वो 5 बन जाता है, और 7 में अगर हम +2 करते हैं तो वो 9 बन जाता है। तो जॉर्ज मिलर कहते हैं कि 7 जो है वो एक मैजिक नंबर है, जिसमें अगर तुम -2 करोगे और अगर +2 करोगे तो वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बन जाएगी। और हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि 7 - 2 कितना है, 5, और 7 + 2 कितना है, 9। तो 5 to 9 आइटम्स जो हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है, जो कैसे आया, 7 - 2 और 7 + 2 करके। तो जॉर्ज मिलर बताते हैं कि 7 इज द मैजिक नंबर, जिसमें अगर हम +-2 करते हैं तो उससे हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बन जाती है, विच इज 5 - 9 आइटम्स, यानी कि 5 से 9 चीजें, ठीक है। तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। बच्चे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं एक बार ये तीनों तरह की मेमोरी कवर करा दूँ, उसके बाद मैं एक क्विक रिवीजन दूंगी जहाँ पे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, बहुत ही इजी चीज़ है। तो फटाफट से आगे चलते हैं और उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम खत्म करते हैं। तो आगे क्या लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी इंक्रीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ चंकिंग, इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉल ग्रुप्स और चंक्स। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि वैसे तो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, 5 to 9 आइटम्स, यानी कि 5 से 9 चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक बारी में अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकते हैं या हम याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बता रखा है कि जो हमारी कैपेसिटी है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी की, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 5 to 9 आइटम से ज़्यादा चीज़ें भी हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, चंकिंग के प्रोसेस से। चंकिंग क्या है, चंकिंग एक प्रोसेस है जिससे कि आप 5 to 9 आइटम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकते हो। अब चंकिंग क्या होती है, मैं आपको वो बताती हूँ। बच्चे, जब हम छोटे होते थे और हमें कोई ऐसा वर्ड याद करना होता था जिसकी स्पेलिंग बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट होती थी, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स उस वर्ड को हमें कैसे याद कराते थे, वो क्या करते थे, वो हमें ये सिखाते थे कि पूरे वर्ड को ना छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, कि पहले इतना याद कर लो, फिर इतना याद कर लो, फिर इतना याद कर लो, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके उस वर्ड को याद कर लो, वो हमें ऐसे सिखाते थे, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, हिप्पोपोटामस, अब ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल और थोड़ा डिफिकल्ट है इसकी स्पेलिंग। तो अगर ये आपको चंकिंग के थ्रू याद करना हो तो कैसे करेंगे हम,
तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को ना छोटे छोटे ग्रुप्स में, यानी कि छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हिप्पो, फिर उसके बाद पॉट, और फिर उसके बाद एमस। यानी कि मैंने क्या किया, पूरे वर्ड को याद करने के लिए उसको क्या किया, मैंने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया कि पहले हिप्पो याद कर लिया, फिर पॉट याद कर लिया, फिर एमस याद कर लिया, और फिर ऐसे करके मैंने हिप्पो पॉट एमस की पूरी स्पेलिंग याद कर ली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को चंकिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को या फिर किसी आइटम को छोटे छोटे ग्रुप्स में या फिर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, और ऐसे करके हम इंफॉर्मेशन को याद करते हैं और अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते हैं, तो दैट इज नोन एज चंकिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, चंकिंग बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 9 2 4 6 8 10 12 4। सपोज करो कि एक फ़ोन नंबर है, वैसे नहीं है बट आप ऐसा ज्यूम करो कि एक फ़ोन नंबर है। तो अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर याद करना होता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है, 10 डिजिट का होता है, तो अगर हम फ़ोन नंबर को बार बार रिपीट करेंगे पूरे पूरे नंबर को एक साथ, तो हमें वो याद नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फ़ोन नंबर बड़ा होता है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं उसको, चंकिंग के थ्रू याद कर सकते हैं, यानी कि हम पूरे फ़ोन नंबर को छोटे छोटे चंक्स और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हम उसे याद कर सकते हैं कि पहले हमने याद कर लिया 9 2 4, फिर याद कर लिया 6 8 1 0, और फिर उसके बाद हमने याद कर लिया 1 2 4। तो यानी कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे चंक्स में उस नंबर को डिवाइड करके याद कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, चंकिंग बोलते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि चंकिंग क्या होती है। चंकिंग होती है कि जहाँ पे हम पूरी इन्फॉर्मेशन को या फिर हम किसी भी आइटम को क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक्स और ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं उसको याद करने के लिए और उसको अच्छे से अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो एटकिंसन एंड शिफ्रिन के मॉडल में हमने अभी तक दो तरह की मेमोरी डिस्कस कर ली है, विच इज सेंसरी मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, और अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। तो बच्चे आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है जो आपके साथ बहुत टाइम पहले या बहुत सालों पहले हुआ था, लेकिन वो चीज़ आपको आज तक अच्छे से याद है, आप अभी तक नहीं भूले हो? तो क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे बता पाओगे? तो शायद हाँ, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे साथ बहुत टाइम पहले हुई हो वो हमें आज तक याद होती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जिनको हम कभी नहीं भूलते और जो हमें हमेशा याद रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें लंबे समय तक याद रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बहुत टाइम पहले अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे गई, ठीक है, और वहाँ पे मेरे साथ बहुत ही एक फ़न और एक्साइटिंग सी चीज़ हुई जो मेरे को आज तक याद है। तो वो चीज़ मेरे को क्यों याद है, स्पेसिफिकली सिर्फ वही चीज़ क्यों याद है मुझे उस ट्रिप की या उस पिकनिक की, क्योंकि वो चीज़ मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई थी और इसीलिए मेरे को वो चीज़ आज तक याद है, चाहे मैं कितने साल पहले या कितने टाइम पहले वहाँ पे गई थी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ हमारे चली जाती है वो हमें बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है, या फिर हमें लाइफ टाइम तक भी वो चीज़ याद रह जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती क्या है। तो पहले मैं सेकेंड लाइन से रीड कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर्स और इवन लाइफ टाइम एंड इट हैज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी। तो क्या लिखा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इट इज़ द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है क्योंकि एक बार जो इन्फॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है वो हमें बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है, यानी कि बहुत ही सालों तक याद रह जाती है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो हम जिंदगी भर नहीं भूलते, वो हमें लाइफ टाइम याद रह जाती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। फिर साथ में ये भी बताया गया है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी कि कितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है, कोई लिमिट नहीं होती कि सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें याद रहेगी लंबे समय तक, या फिर इतनी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो हम कभी नहीं भूलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म मेमोरी की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, कितनी भी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। अब हम सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी तीनों को साथ में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है। लेकिन सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन 1 सेकंड से भी कम होती है, कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जा रही है हम 1 सेकंड से भी कम में उसको भूल जाते हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है जो हमें याद रह जाता है, और वो हमें क्यों याद रह जाता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी से आगे हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी तक जाता है। ठीक है, लेकिन फिर हमने पढ़ा कि यार शॉर्ट टर्म मेमोरी की भी ड्यूरेशन बहुत कम है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन कितनी है, 30 सेकेंड्स और लेस।
कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है वो भी हम 30 सेकंड्स बाद भूल जाएंगे। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ही लंबे समय तक याद रखनी है या बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखनी है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक भेजनी पड़ेगी, तभी वो इन्फॉर्मेशन आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन कैसे भेजते हैं हम, रिहर्सल के थ्रू। तो अभी हम पढ़ेंगे कि रिहर्सल क्या होती है, कितने तरह की होती है और कैसे हम इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज सकते हैं। सो द इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन रिहर्स्ड एंटर्स द लॉन्ग टर्म मेमोरी और LTM। तो जिस इन्फॉर्मेशन को हम बार बार रिहर्स करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल ऑफ टू, हमने टू का टेबल अपने बचपन में याद किया होगा लेकिन हमें वो टेबल आज तक बहुत अच्छे से याद है। अगर कोई हमसे बोलेगा कि टू का टेबल सुना दो तो हम पूरा टेबल आराम से बिना अटके सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेबल हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, यानी कि हमने वो टेबल बार बार रिहर्स किया है, बार बार प्रैक्टिस किया है और हमने हर क्लास में मैथ्स में हमेशा टेबल्स का यूज़ किया है। तो इसीलिए वो टेबल हमें आज तक बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो टेबल हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ABCD। हमने नर्सरी KG में ABCD पढ़ी थी और वो हमें आज तक याद है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपने लाइफ में बहुत सारे अल्फाबेट्स, लेटर्स, वर्ड्स का यूज़ किया है तो बार बार वो चीज़ हमारी रिहर्स हो गई, रिवाइज हो गई, प्रैक्टिस हो गई और वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई और इसीलिए वो चीज़ हमें आज तक याद है, इसीलिए हमें अल्फाबेट्स आज तक याद है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिहर्स करते हैं, बार बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही लंबे समय तक या इवन लाइफ टाइम याद रह जाती है। फिर आगे पढ़ते हैं तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। सो फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्फॉर्मेशन एंटर्स द लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू टू टाइप्स ऑफ रिहर्सल्स। तो हमने पढ़ा ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन रिहर्सल्स के थ्रू जाती है। सो दो तरह की रिहर्सल होती है, एक होती है मेंटेनेंस रिहर्सल और एक होती है इलैबोरेटिव रिहर्सल। तो अब समझते हैं कि मेंटेनेंस रिहर्सल और इलैबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होती है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मेंटेनेंस रिहर्सल का मतलब है कि किसी चीज़ के रट्टे मारना, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए उस चीज़ को रटना, क्रैम करना या फिर बार बार रिपीट करना, याद करना, तो दैट इज नोन एज मेंटेनेंस रिहर्सल। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो पूरे साल तो पढ़ाई करते नहीं है, स्पेशली जो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं हम उन्हें पूरे साल तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर अभी पढ़ लेंगे तो एग्जाम टाइम तक भूल जाएंगे। तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले जब हमारा एग्जाम होता है तो हम वो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट की किताब खोलते हैं और हम बढ़िया तरह उसके रट्टे मारने शुरू कर देते हैं जिससे कि हम पेपर में लिख सकें। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहे हैं, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम रट्टे मार रहे हैं, रोट लर्निंग कर रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को मेंटेनेंस रिहर्सल बोलते हैं। सो मेंटेनेंस रिहर्सल इज ऑल्सो नोन एज रोट लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन। इट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग आइटम्स और इन्फॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगैन टू स्टोर इट इन मेमोरी एंड रिकॉल इट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, वही चीज़ है जो हमने पढ़ी कि मेंटेनेंस रिहर्सल को रोट लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के रट्टे मार रहे हैं, उसकी क्रैमिंग कर रहे हैं, बार बार उस इन्फॉर्मेशन को हम रिपीट कर रहे हैं जिससे कि हम अपने मेमोरी में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। बट दिस टाइप ऑफ रिहर्सल स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या लिखा है कि जो इन्फॉर्मेशन हम मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू अपने दिमाग में स्टोर करते हैं ना, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होती। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू रट्टा मार के हमने कोई इन्फॉर्मेशन अगर अपने दिमाग में स्टोर किया ना, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। अब ऐसा क्यों होता है कि मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, लॉन्ग टर्म में नहीं जाती? ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि बच्चे जो चीज़ हम रट्टा मार के याद करेंगे वो ऑब्वियसली हमें लाइफ टाइम तो याद नहीं रहेगी, 2-4 दिन तक हमें याद रहेगी जब तक कि हमें उसकी ज़रूरत है, उसके बाद हम उसे भी भूल जाएंगे। जैसे एग्जाम में भी 2-3 दिन पहले हम क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि हम पेपर में लिख सके। जैसे ही हमने पेपर दिया हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। जब हम नया सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसका रट्टा मारने लगते हैं, फिर हम उसका पेपर दे देते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। तो यानी कि मेंटेनेंस रिहर्सल में सिर्फ हम रोट लर्निंग से इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और हमें कुछ ही टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। इसीलिए मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। और फिर लास्ट में क्या लिखा है, दैट दिस टाइप ऑफ रिहर्सल कैन बी मेंटल एज वेल एज वर्बल।
यानी कि अगर हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं तो हम वर्बली भी कर सकते हैं और मेंटली भी कर सकते हैं। यानी कि किसी किसी को आदत होती है कि वो मन मन में पढ़ के याद कर लेता है, मन मन में रट्टे मार लेता है, तो दैट मीन्स कि वो मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहा है लेकिन मेंटली कर रहा है। और एक होता है मेंटेनेंस रिहर्सल वर्बली करना, यानी कि अगर आप रट्टा मार रहे हो किसी चीज़ को याद कर रहे हो तो आप जोर जोर से बोल के उसको रिपीट कर रहे हो और फिर याद कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप वर्बली मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहे हो। ठीक है, फिर मेंटेनेंस रिहर्सल के बाद दूसरी टाइप ऑफ रिहर्सल होती है हमारी इलैबोरेटिव रिहर्सल। अब इलैबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है? दिस टाइप ऑफ रिहर्सल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मेंटेनेंस रिहर्सल। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन बाय रिलेटिंग, कनेक्टिंग और एसोसिएटिंग इट विद द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी कि क्या लिखा है कि इलैबोरेटिव रिहर्सल में हम किसी चीज़ के रट्टे नहीं मारते, हम रोट लर्निंग नहीं करते कि हम किसी चीज़ के रट्टे मार के या फिर उस चीज़ को क्रैम करके हम अपने इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल में? इलैबोरेटिव रिहर्सल में हम चीज़ों को समझते हैं। कैसे समझते हैं? एसोसिएट करके या फिर कनेक्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अगर मैं आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करोगे कि अच्छा हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में ये पढ़ा था और ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये है, यानी कि ये दोनों आपस में ऐसे सिमिलर हैं या फिर ऐसे डिफरेंट हैं। यानी कि एक तरह से लैबोरेटिव रिहर्सल में हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझ समझ के अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। यानी कि हम रट्टा मार के स्टोर नहीं कर रहे, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, हम चीज़ों के बीच में लिंक्स और सिमिलैरिटीज और कनेक्शंस बना के उन चीज़ों को अपने मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रहे। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको ना हिमाचल की कैपिटल याद नहीं हो रही कि हिमाचल की कैपिटल शिमला होती है, आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही, तो आपने क्या किया, कोई आपकी फ्रेंड है जो शिमला से है तो आपने कैसे याद रख ली, आपने उसके उससे याद रख ली कि वो शिमला से है तो हिमाचल की कैपिटल है शिमला। ठीक है, तो यानी कि इलैबोरेटिव रिहर्सल में हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, चीज़ों के बीच में लिंक्स बनाते हैं, चीज़ों के बीच में कनेक्शंस बना के हम अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन एज इलैबोरेटिव रिहर्सल। सो दिस टाइप ऑफ रिहर्सल इज मोर इफेक्टिव इन मेंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या लिखा है कि इलैबोरेटिव रिहर्सल से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, जैसे मेंटेनेंस रिहर्सल से इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, तो इलैबोरेटिव रिहर्सल से इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस रिहर्सल में हम रट के इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे तो कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, लेकिन इलैबोरेटिव रिहर्सल में हम चीज़ों को समझ समझ के याद कर रहे हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहेगी, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंटेनेंस रिहर्सल और इलैबोरेटिव रिहर्सल क्या होता है। तो फाइनली हमने पूरा एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल पढ़ लिया है। मैं इस डायग्राम के थ्रू एक क्विक रिविजन दे देती हूँ आपको इस मॉडल का, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो मतलब आपको सब कुछ समझ आ गया। तो हमने क्या पढ़ा कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी को स्टेज मॉडल और मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं। ये जो मॉडल है इसको एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया एंड इन द ईयर 1968 इस मॉडल को इन्होंने दिया। इस मॉडल में बेसिकली हमने तीन तरह की मेमोरी पढ़ी कि एक होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है एनवायरनमेंट से वो सबसे पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है, लेकिन सेंसरी मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो एक सेकंड से भी कम है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जा रही है हम एक सेकंड से भी कम में उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। सिर्फ कुछ ही पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है जिसपे हमारी अटेंशन जाती है या फिर हम जिसपे ध्यान देते हैं या जो हमें अच्छे से समझ आती है, और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन आगे हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और बाकी इन्फॉर्मेशन हम एक सेकंड से भी कम में भूल जाते हैं। अब जो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी से आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई वो हमें 30 सेकंड या 30 सेकंड से कम तक याद रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन 30 सेकंड और लेस है। फिर उसके बाद हम वो इन्फॉर्मेशन भी भूल जाएंगे जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, लेकिन अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिहर्सल करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस रिहर्सल एंड इलैबोरेटिव रिहर्सल। फिर हमने पढ़ा कि मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होती है और इलैबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है। मेंटेनेंस रिहर्सल होती है कि जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए रोट लर्निंग करते हैं, और इलैबोरेटिव रिहर्सल होती है जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसको समझते हैं, लिंक्स बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, जिससे कि हम वो इन्फॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर कर सके। मेंटेनेंस रिहर्सल से इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और इलैबोरेटिव रिहर्सल से इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। फिर एक
बार जब इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई थ्रू इलैबोरेटिव रिहर्सल, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो हमने ये पूरा एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल पढ़ा है. सो आई होप आपको अब थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल क्या होता है. तो हमने इस मॉडल में ये सीखा कि कैसे कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है और हमारे मेमोरी में स्टोर करती है. सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको इस टॉपिक के नोट भी चाहिए तो आप मेरे से वो भी मांग सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेग एंड लॉकहार्ट का मॉडल पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं जैसे कि वर्किंग मेमोरी क्या होता है और दो तीन चीज़ें और, हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कॉमेंट एंड शेयर.